नाजरीन, आज पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी आबाद है, पाकिस्तान का 67वां यौमे आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में अंकरा में पाकिस्तान के सफारतखाने में तकरीब परचम कुशाई मनाकिद हो रही है। आइए आपको उस तरफ लिए चलते हैं। सामीन, सफारतखाने पाकिस्तान में परचम कुशाई की तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और उसके उर्दू तर्जमे से हुआ। तलावत कलाम पाक और उसके उर्दू तर्जमे के बाद सफीर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद हारून शौकत ने पाकिस्तान के 67वें यौमे आज़ादी पर परचम कुशाई की और इस मौका पर कौमी तराना भी बजाया गया। परचम कुशाई के बाद सफीर पाकिस्तान मोहम्मद हारून शौकत ने सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी का कौम के नाम पैगाम पढ़कर सुनाया। आई विश टू एक्सटेंड हार्टेस्ट फेलिसिटेशंस टू ऑल द पाकिस्तानीज ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द 67th इंडिपेंडेंस डे टुडे। इस पैगाम के बाद जनाब सफीर पाकिस्तान ने पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कौम के नाम पैगाम को पेश किया। नाउ द मैसेज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ। ऑन द 67th इंडिपेंडेंस डे आई एक्सटेंड माय हार्टीएस्ट फेलिसिटेशंस टू ऑल द कंट्रीमैन एंड ऑफर माय ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह फॉर गिविंग अस अ ब्यूटीफुल कंट्री लाइक पाकिस्तान। Allow me also to congratulate each one of you on this very happy occasion. Indeed, Pakistan is standing at a decisive moment. बाद में सफीर पाकिस्तान मोहम्मद हारून शौकत ने पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि ब्रादर मुल्क तुर्की में जहां पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बड़ी कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है, सब पाकिस्तानी सफीर की हैसियत रखते हैं। उन्होंने इस मौके पर तुर्की में फ़र्ज़ अदा करने वाले मुसल्ला फौज के फौजियों और ख़ासतौर पर तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोग पाकिस्तान और अपने अपने ख़ानदानों से दूर तुर्की में पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान के नाम को रोशन करने में मगन हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपने अपने शोबों में कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क की खिदमत को गैर मुल्क में भी खुश सलूबी से सर अंजाम देने का सिलसिला जारी रखेंगे। सफीर पाकिस्तान के खिताब के बाद इस तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों को चाय और कोल्ड ड्रिंक से खादत मदारत की गई। दरअसल में पाकिस्तान भर में भी यौमे आज़ादी जोश व खरोश से मनाया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया, जबकि नौजवानों ने इस मौके पर भंगड़ा डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। Yeah।
Pakistan zindabad Pakistan zindabad zindabad Pakistan zindabad एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आए हुए फैमिली के साथ, बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है और बड़ी अच्छी फीलिंग है हमारी। हमारी कंट्री में आज तक कुछ हालात अच्छे नहीं है, दहशतगर्दी है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा होता है, डिप्रेशन होता है। तो हम होप करते हैं कि आगे इंशाल्लाह हमारा अच्छा टाइम आएगा। Pakistan zindabad Pakistan zindabad Pakistan zindabad Pakistan zindabad Pakistan zindabad